हेलो फ्रेंड्स, अभी त्योहारों का समय शुरू हो गया है और साथ ही दोस्तों हमारे गार्डन के लिए विंटर के जो फूल होते हैं उनका भी समय शुरू हो गया है कि हम विंटर के प्लांट्स अपने गार्डन पर लगाएं। तो दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आज मैं आप सबों से फिर से मिलने आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और उससे पहले आप सभी को जोहार, और मैं श्यामल आप सबों का स्वागत करता हूँ अपने गार्डन पर। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, ये एक मेरे गार्डन का प्लांट है और इसे बेल भी बोल सकते हो क्योंकि ये बेल की तरह ही है। और दोस्तों आप सभी इनके पत्तों को और ये प्लांट देख के ही समझ गए होंगे कि एक एलमेंडा का प्लांट है दोस्तों। और एलमेंडा काफ़ी ही खूबसूरत प्लांट और फूल होते हैं और आप सबों का गार्डन में भी ये होगा। तो दोस्तों ये प्लांट मेरे गार्डन में लंबे समय से है और लंबे समय से दोस्तों ये ढेर सारी जो है फ्लावरिंग हो रही है मेरे इस प्लांट पर, और ये काफ़ी पसंदीदा प्लांट है मेरा। वैसे दोस्तों एलमेंडा के तो बहुत सारे कलर्स होते हैं फूलों के, पर मेरे पास ये जो कलर है काफ़ी सुंदर ये लगता है ये कलर मुझे। और इस प्लांट में दोस्तों एलमेंडा के दूसरे प्लांट में भी ढेर सारे फूल खिलते हैं, पर इस वैरायटी ये जो कलर है दोस्तों इसमें काफ़ी फूल और कंटिन्यूसली ढेर सारे फूल इसमें खिलते हैं, तो ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और काफ़ी लो मेंटेनेंस में दोस्तों ये मेरे गार्डन में है, इसमें सिर्फ पानी ही डाला जाता है। और बारिश के मौसम के बाद दोस्तों देखिए इसमें अलग ही एक रौनक है, और इसके फूलों को आप देख सकते हैं, और इसके फूलों को देख के ही दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि ये काफ़ी हेल्दी सा प्लांट है। और देख सकते हैं आप इसमें कितने सारे फूल एक साथ में खिले हुए हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने सोचा ज़रूर आज मैं इसका वीडियो बना के आप सबों के साथ पर मैं शेयर करूं। एलमेंडा का प्लांट दोस्तों काफ़ी आसान तरीके से अपने गार्डन पर आप ऐड कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और इसे देखभाल करना भी बहुत आसान है। और दोस्तों ख़ास बात यह है कि आप इसे आसानी से अपने गार्डन पर कटिंग से लगा सकते हो, इसे प्रोपोगेट करना भी बहुत आसान है। इसके कटिंग अगर आप बारिश के समय में लगाते हो तो आसानी से ये नए प्लांट बन जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखें, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगा तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें, और अपने मित्रों से करीबी दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ नए व्यूअर्स दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने करीबी मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों ये प्लांट आप देख सकते हो काफ़ी हरा भरा और फूलों से लदा हुआ है, और इसमें ढेर सारे फूल खिलते रहते हैं और अभी ज़्यादा खिलते हैं, और गर्मी के मौसम में इसके फ्लावरिंग जो कम होती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी हमें ज़रूर दें। दोबारा से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।